स्वागत वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। आज का नोनी का वीडियो स्टार्ट हो रहा है अपने इंदौर से। तो इंदौर से वीडियो क्यों स्टार्ट हुआ है, नोनी क्यों आया है इंदौर में एंड इस लोकेशन से वीडियो अपन क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं ये चेक करें गाइस। क्या तो मल्टी है एंड क्या तो व्यू है गाइस। इंदौर को जो है मिनी मुंबई ऐसे ही नहीं कहा जाता डूड। यहाँ की जो बिल्डिंग है, यहाँ की जो मल्टी है एंड यहाँ के जो रोड है एंड यहाँ का पूरा जो व्यू है डूड अलग ही लेवल का है। फिलहाल अगर मैं बताऊँ तो अपने साथ है अपने नमन भाई जिनके रूम में अपन ने स्टे करा है एंड अर्ली मॉर्निंग में जो है नोनी आ चुका था इंदौर पे। तो थंबनेल को टाइटल लिख के आप लोग समझ गए होंगे कि नोनी इंदौर क्यों आया। तो गाइस काफी क्रेजी व्लॉग जो है एमसी स्टैन के लाइव कॉन्सर्ट के ऊपर नोनी के आने वाले हैं। तो दवा के प्यार दिखाना, शेयर करना, लाइक करना एंड कितने के एपिसोड बना सकते हैं, कितने अच्छे अच्छे ब्लॉग अपन एमसी स्टैन के लाइव कॉन्सर्ट के ऊपर आपको बना के दिखा सकते हैं देखते हैं। तो अभी जिस लोकेशन पे नोनी डूड, ये लोकेशन देख के यहाँ पे वीडियो का इंट्रो नोनी ने करा है शूट। तो अपन को जो है चल के मेन लोकेशन पे शूट करना था बट ये जो लोकेशन है गाइस मुझसे देख के रहा नहीं गया तो मैंने यहीं पे वीडियो का इंट्रो शूट कर लिया। बाकी आज की वीडियो में नोनी जो है आपको मेन से भी मेन क्लिप दिखाएगा आज वाली वीडियो में। तो कैसे क्या सीन रहेगा अभी पहुंच जाते हैं उन लोकेशन जहाँ पे पूरा कॉन्सर्ट होने वाला है एंड वहीं पे पहुंच के नोनी आज वाली वीडियो को करता है कंटिन्यू। तो चलिए तो गाइस नोनी आ चुका है अपनी ओन लोकेशन, सामने रही होटल जहाँ पे इवेंट होने वाला है। सामने आप चेक कर सकते हैं, ये थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ एंड ये चेक करें यहाँ पे हो रहा है काफी भयंकर तरीके से स्टैंड का वेट एंड जैसे भी स्टैंड आता है एंट्री करते हैं एंड आज का स्पेशल ब्लॉग एमसी स्टैंड के कॉन्सर्ट के ऊपर आप सबको बना के दिखाते। फ्यू मोमेंट्स लेटर कॉन्सर्ट के अंदर फुल पावर बहुत ही भयंकर वाले यहाँ पे हो रहा है एंड अपन को मिले अपने भाई भोपाल से। तो भाई बता देंगे यार में बनाने कंटिन्यू करता जाऊंगा वीडियो का। बैकग्राउंड में आप चेक करें बहुत ही ज्यादा क्राउड है यहाँ पे गाइस। तो देखते हैं कैसे का सीन होता है फुल पावर। आज का पूरा वीडियो कैप्चर करके आपको दिखाते हैं एंड मेरे को पता नहीं मेरी आवाज आपको आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। अभी कॉन्सर्ट थोड़ी सी देर में स्टार्ट होने वाला है तो डूड ये चेक करें। तो देखते कैसे का सीन होता है थोड़ी देर में एमसी स्टैन आता है जैसा भी सीन होता है नॉलेज वीडियो को कंटिन्यू करेगा यही से। तो चलिए एक बार अपने मॉम डैड के लिए आवाज करो।
सबको प्यार भाई जो भी आए यहाँ पे आराम से बहुत क्रेजी ब्रो ले लो भाई प्यार में लगे मैम से
आराम से भाई आराम से। बहुत प्यार भाई लोग पीछे भी भाई सब लोग को आराम से भाई सबको बहुत प्यार भाई भाई नहीं नहीं तीसरा सबके फ्लैश लाइट सॉन्ग भाई भाई ले लो I'm
घर उसने चेंज करे शुक्र मैं यहाँ पर मैं कुल का मैं
Hello.
बोल लो उसकी मैनेजर को
उठाने भाई ये छोटू चीन कुछ ऐसा है कि अभी अपन कॉन्सर्ट से जो है बाहर निकल चुके हैं एंड चीन क्या हुआ था भाई बताएंगे आपको। तो डूड ये बताओ कि हुआ क्या था वहाँ पे भाई? बस्ती का अस्थि गाना था उसमें। हाँ गाली तो होती है लैंड का, वो तो गाली तो है भाई उसमें। हाल तो करने आ रहा है कि हिंदू है वो है। अब इतना वहाँ पे हुआ, वहाँ पे क्या हुआ, क्या हुआ? पुणे में जाके दिखाओ, पुणे में जाके दिखाओ, पब्लिक तोड़ देगा। सही बोल रहा है। तो डूड चीन कुछ ऐसा है कि उसके गाने में भली गाली है सभी को पता है, बट यहाँ पे थोड़ा बजरंग दल का दिल साफ है भाई, दिल साफ है उस बंदे का। जामो तो पुणे में पांच रोज आ गए। तो डूड चीन कुछ ऐसा है यहाँ पे। एक सेकंड गाइस, और कुछ मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे कैसे क्या सीन है। कुछ बेकार हो गई है, मतलब एक तरीके से शो कैंसिल ही हो गया है यहाँ पे, वो निकल गया। तो डूड बहुत गदर हो गया, मतलब एकदम लड़ाई हो गई थी। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा सीन और अंदर चल के। So guys, नोनी अभी आ चुका है फुल पावर अपने रूम पे। जस्ट अभी खाना वगैरह सब डन अपना हो चुका है अपने साथ है अपने नमन भाई। तो आज रात का अपना यहीं पे स्टे है, देन अपना कल का जो है रिटर्न है भोपाल का। बट नमन भाई का ऐसा कहना है कि अपन जो है चलेंगे कहाँ पे? ओम कॉलेज पे। और कहाँ पर? खजराना मंदिर जो कि गणेश जी का मंदिर है जी। तो नमन भाई का ऐसा कहना है, बाकी अपन को कुछ काम नहीं होता है या भोपाल से कोई कॉल वगैरह नहीं आता है, तो अपन जो है एक दिन का स्टे और करके कल की लोकेशन और एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से अच्छे। इंदौर के ऊपर आप सभी को वीडियो बना के दिखाएंगे। एंड डूड पूरे कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो मैं किसी को सही नहीं बोलूंगा, मैं किसी को गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं जो है कोई भी नहीं होता, मैं किसी को जज करने वाला। तो डूड एक चीज जो है मेरे को यहाँ पे गलत लगी, मतलब यहाँ पे जो है सरासर एकदम गलत हुआ है। बंदा जो है कहाँ से निकल के कहाँ तक पहुँचा है वो सबको पता है। इन बंदे की जो रिस्पेक्ट करते हैं लोग दिल से करते हैं। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, वो अपने हर गाने में गाली देता है, सबको पता है, कोई नई चीज नहीं है। बच्चे बच्चे को भी और बड़े बड़ों को भी पता है डूड किस टाइप का वो गाना गाता है, किस टाइप का वो रैप करता है। वो कौन है? बाबू भैया ना, बाबू भैया का जो भाई है मान के चलिए कलमिंग, वो भी अपने गानों में गालियां देता है डूड। रैपर की ऐसी कुछ कुछ चीजें होती हैं। तो मैं यहाँ पे तो मुझे जो है ये चीज यहाँ पे सही नहीं लगी, मतलब एकदम से जो है उसको गायब कर दिया गया पूरे कॉन्सर्ट में से। कहीं ना कहीं वो सही था, अगर उसको गायब नहीं करते और स्टेज पे कोई सीन हो जाता तो डूड काफी बैंकर वाला माहौल वहाँ पे हो जाता। एंड वहाँ पे जो है एकदम से लाइट पूरी ऑफ कर दी थी एंड उसको जो है सिक्योरिटी वाले ने गायब करवा दिया था, मतलब वहाँ से रिमूव करवा दिया था, कॉन्सर्ट से बाहर निकलवा के उसको सेफली तरीके से कहीं पे पहुंचा दिया था। वो मुझे पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं, अगर पता भी होता तो बहुत बैंकर वाली यहाँ पे उलझन हो जाती। तो ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ या नहीं हुआ। तो डूड मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, मतलब अगर बंदा ऐसा है वो गाली बकता है तो आप बुलाओ ही मत उसको, ये चीज गलत है यहाँ पे। मतलब एक तो अपन ने उसको बुलाया, उसका लाइव कॉन्सर्ट हो रहा है, अटेंड कर रहे हैं एंड काफी अच्छा माहौल वहाँ पे बनने लगा था, मतलब स्टार्ट हो ही गया था। पांच से छह या छह से सात गाने जो उसने वहाँ पे गाए थे, देन वहाँ पे जो है बजरंग दल वाले पहले से ही आ गए थे, पूरी प्लानिंग पहले से हो गई थी एंड माहौल खराब हो जाता है। वहाँ पे जो भी हो उसको वहाँ से निकाल दिया गया एंड सेफली तरीके से जहाँ पे भी पहुंचा गया। तो डूड ये चीज मुझे यहाँ पे गलत लगी कि मतलब जो है अपन एक तो उसको बुला रहे हैं, ऊपर से कॉन्सर्ट करवा रहे हैं एंड उसी के खिलाफ जो है अपने शहर के लोग कुछ कुछ खिला रहे हैं। तो मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, किसी को सही नहीं बोल रहा हूँ, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। डूड वो कहाँ से निकला है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं। एंड बजरंग दल का जो सीन है डूड, मतलब इंदौर में मैंने ज़्यादा सुना है, मतलब ऐसा गाली वगैरह नहीं दे सकते या मतलब भगवान के खिलाफ अपन बात नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी चीज़ है। बट वो बंदे की भाषा ही ऐसी है, वो लैंग्वेज ही ऐसी है उसकी, वो बंदा कहाँ से निकला, उसकी खड़ी बोली है, गाने में गाली देता है, सारी चीज़ सबको पता है डूड, इसमें नई चीज़ कोई भी नहीं है। तो
जितना मुझसे हो सका मैंने अच्छे से अच्छा वीडियो बना के आज का मैंने आपको दिखाया एंड काफ़ी अच्छे अच्छे एपिसोड जो है एमसी स्टैन के लाइव कॉन्सर्ट के ऊपर आपको बना के दिखाए। तो उम्मीद करता आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो बैकग्राउंड में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे अच्छे एपिसोड नॉनी ने बना के दिखाए एमसी स्टैन के ऊपर, उम्मीद करता आपको पसंद आए होंगे। जितना मुझसे हो सका मैंने अच्छे से अच्छा आपको बना के दिखाया, सारी चीज़ें कैप्चर करके अपनी वीडियोज़ में दिखाई है। तो जो भी हुआ ठीक है, ज़्यादा बात ना करते हुए आज वाली वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, नॉनी का चैनल ऑलमोस्ट जो है मोनेटाइज हो ही गया है, तो मोनेटाइज हो जाएगा, इनकम धीरे धीरे आने स्टार्ट होगी। तो वही इनकम इन वीडियोस में लगा के ये वीडियो को लेवल अप करके और नेक्स्ट लेवल की वीडियो आप सबके लिए लेकर आएगा नॉनी। तो जितना हो सके प्यार दिखाइए नॉनी को, आपके शहर का हूँ, भोपाल का हूँ एंड कहीं का भी हूँ, तो आप सबके लिए चीज़ें लाता रहता हूँ। तो आगे चल के और अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली है एंड आज वाली वीडियो को और ज़्यादा बड़ा ना करते यहीं पर एंड करते हैं। तो देखते कैसा क्या सीन होता है, इस वाली वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेगा उन्होंने आप सबसे बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिली का। सो टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।